सबको जय मसीह, सकरा और चौड़ा मार्ग। बाइबल कहती है सकेत फाटक में प्रवेश करो। आइए हम इस नाटक के द्वारा देखते हैं लोग कैसे सकेत फाटक और चौड़े फाटक में प्रवेश करते हैं। हम शुरुआत करते हैं ऐसे दो मित्रों से जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे सकरे मार्ग और चौड़े मार्ग का चुनाव किया। और भाई रोहित कैसा है, आजकल दिखता नहीं यार। क्या करूं यार, पॉकेट में पैसा ही नहीं रहता। अरे चल चल, मेरा पॉकेट तो गर्म है, पी के आते हैं। अपने वही पुराने अड्डे में चलते हैं। हाँ चल, चखना लेके चलते हैं। अरे यार आज बहुत अच्छा लग रहा है। पता है इसे पीने के बाद ऐसा लगता है कि सारी टेंशन उड़ जाती है यार, सारी की सारी टेंशन उड़ जाती है। अरे चल यार, अब बहुत चढ़ गई है, अब घर चलते हैं। तब उनकी मुलाकात पास्टर जी से होती है और वे उन्हें समझाते हैं। अरे सीधा खड़े हो, सामने पास्टर जी आ रहा है, पास्टर जी आ रहा है। आप लोग नशा किए हो, नशा हमें परमेश्वर से दूर करता है और आपको उस नशा को छोड़कर परमेश्वर के पास लौट कर आना है क्योंकि वहाँ अनंत जीवन है। अरे यार पास्टर पका रहा है। नहीं यार, मैंने पी रखी है, लेकिन मैं उनकी सारी बातें अपने पूरे होशो आवास में सुन रहा था। मैं प्रभु के पीछे ही चलना चाहता हूँ। देख यार, तू अभी नशे में है, कुछ भी बके जा रहा है, चल चलते हैं, जुआ खिल जाएंगे। नहीं नहीं यार, देख तू प्रभु के पीछे अगर गया तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म, चल निकल। रुक यार, पास्टर जी सही बोल रहे थे, तुझे और मुझे प्रभु के पीछे ही चलना चाहिए। अगर तू प्रभु के पीछे नहीं चलेगा तो पछताएगा। ठीक है चल निकल, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। रुक प्लीज मत जा यार। चल तू भाग जा, मेरे को अपना रास्ता मालूम है। आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे विश्वासी जवान भाई से जो सकरे मार्ग को छोड़कर, परमेश्वर के रास्ते को छोड़कर के चौड़े मार्ग में चलना उसे अच्छा लगा। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह। क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ गया है पास्टर जी, कुछ छोटा मोटा काम है मेरे लिए। अभी तो कुछ काम नहीं है, काम होगा तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। ठीक है पास्टर जी। आप एक अच्छे लड़के हो, प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, संसार के बातों से आपको दूर होकर प्रभु के मर्जी पर आपको चलना है। ठीक है पास्टर जी, मैं आपके बातों को मानूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं संसार की गलत संगति से, पाप बुराई से बचा रहूंगा और प्रभु की इच्छा को मैं पूरा करूंगा। ठीक है पास्टर जी, मैं चलता हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। अपना ध्यान रखना। ठीक है पास्टर जी। उसने अपने पास्टर जी से वादा किया था कि वह संसारिकता में नहीं फंसेगा, लेकिन एक बार उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है और उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाता है। देख कर नहीं चल सकते क्या? दिखा तो हावे। सुन तो वो। क्या हो गया? तो नाम का है वो। नाम जानकर क्या करोगे? ते अपर खूबसूरत दिखता सो। सच में? तोला देख के मुर दिल हा कुकुर के जैसे धुकुर धुकुर करा थे वो। हाँ सच में, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हाँ सच में हो, मैं तोर से अब्बड़ माया करता हूँ, कहता है मोर गर्लफ्रेंड बनबे का। हाँ चलो तो फिर घूमने चलते हैं। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, आज मैं नहीं जा सका, आज मुझे प्रार्थना माँ चर्च जाना है। अरे यार चर्च तो आप रोज ही जाते होंगे, चलो ना आज घूमने चलते हैं। ठीक है ना चल, अब चर्च नहीं जाऊँ। आप मेरे से सही में प्यार करते हो? हाँ वो सच में, मैं तोर से अब्बड़ माया करता हूँ, वो तोर खातिर मैं तो चर्च ले भी छोड़ दे। अरे अरे अरे, देखो देखो देखो, ये कैसा व्यक्ति है, ये है संसार के मार्गों में चलने वाला एक अधर्मी व्यक्ति, इसका काम है खून खराबा करना, लूटपाट करना, चोरी करना। रुको, क्या हो बेड़ू, तेरे क्या हुआ? मैंने अभी देखा आपने के व्यक्ति को मार कर जा रहे हो, लेकिन क्या आप जानते हो जो काम आप किए हो परमेश्वर उसे देखा है? ये तू क्या बोल रहा है बेड़ू, अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है रे। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। यदि आप मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट कर आओगे तो वो आपको उस पापों से क्षमा देगा और यीशु के पास अनंत जीवन है। तू सही बोल रहा है लहरे, लेकिन अपुन तो बहुत सारा क्राइम करेला है, क्या अपुन को परमेश्वर माफ करेगा? हाँ यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। अब अपुन भी प्रभु के मार्ग में चलेगा। और उसका जीवन बदल गया और वो संसार के सारे दुष्टता के कामों को छोड़ करके परमेश्वर के रास्ते पर चलने लगा। दोस्तों बाइबल चौड़े फाटक के विषय में कहती है, सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं।
जब सभी प्रवेश कर चुके होंगे तो द्वार बंद किया जाएगा और नरक का स्वामी शैतान आएगा। और उन्हें बांध कर अपने साथ ले जाएगा। हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो? हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो।